ओके लेट्स स्टार्ट। नाउ इन द फिगर 1.44, यहां पर ये फिगर जो गिवन है, x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर x कहीं पर भी इंटीरियर में बनाया हुआ है। उसके बाद प्रूव x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस, पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब ये x जो है d से e से f से ज्वाइन किया है। ओके, उसके बाद सेक पी क्यू, यहां पर जो पी क्यू बनाया है इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, पी क्यू आपका डी ई से पैरेलल है, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। आपको दिस इज पैरेलल टू दिस दिया है, दिस इज पैरेलल टू दिस दिया है, आपको प्रूव करना है पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। कैसे प्रूव करोगे? वेरी सिंपल, आपने ऑलरेडी कर लिया है, राइट? ठीक है, देखो कैसे प्रूव करोगे। वेरी सिंपल, अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, इफ दिस टू आर पैरेलल, देन व्हाट वी कैन से, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, बोल सकते हैं, राइट? सिमिलरली इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, तो एक्स पी अपॉन एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। अब दोनों में कॉमन क्या हुआ? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। सो फ्रॉम वन एंड टू वॉट यू कैन से, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स एक्स आर अपॉन आर एफ। ये सोल्यूशन मिला। अब इन ट्राइंगल दिस, ये वाला रेशियो ऑलरेडी इक्वल है, सो नाउ बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हाट यू कैन से, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। अब बस लिखने आना चाहिए प्रॉपरली। आपने खुद से लिखा है कि कहीं पर देख कर लिखा है पूरा? बहुत अच्छी बात है, खुद से लिखा है। देखो यहाँ पर लिख के बताऊं या लिखोगे? हाँ ट्राई करते हो, करो। क्या लिखना है आपको? वापस करना होगा। हाँ खुद से करना है पूरा। इन ट्राइंगल डी एक्स ई, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, डायग्राम में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसकी वजह से बनाने की जरूरत नहीं है। तो तुमने क्या लिखा? डी पी अपॉन पी एक्स लिखा ना, तो इसको करस्पॉन्डिंग ई क्यू अपॉन क्यू एक्स होगा, नॉट एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तुमने क्या लिखा? डी पी अपॉन पी एक्स लिखा ना, तो ई क्यू अपॉन क्यू एक्स लिखना होगा। हाँ वैसे वो करेक्शन करो, देख लो ये। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी, अब यहां पर आपको डायग्राम नहीं गिवन है, राइट? आपको डायग्राम बनाना है। इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी एंड रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। इफ सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी, देन प्रूव दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब आपको ए बी सी करके एक तो ट्राइंगल है और उसमें ए बी एंड ए सी इक्वल है, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोस्टेलेस ट्राइंगल है। सो वी कैन ड्रॉ द आइसोस्टेलेस ट्राइंगल लाइक दिस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आइसोस्टेलेस ट्राइंगल हो गया, राइट? इसमें ए बी और ए सी सेम है ना, सो इफ दिस इज ए बी, ये दोनों क्या है? सेम है, फाइन। अब क्या बोला है? रे बी डी, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। अब यहां से एक बी डी यहां से जा रहा है, रे बी डी, दिस इज योर रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी एंड रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। ठीक है, दिस इज सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल सेम है। दिस बाइसेक्ट्स एंगल व्हाट? ए सी बी। देन प्रूव दैट ई डी जो है, अगर आप ई डी ड्रॉ करोगे तो ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ये ई डी बी सी से पैरेलल होगा। कैसे प्रूव करेंगे? हाँ किया है ना आपने, बताओ कैसे करेंगे? बिना देखे बताओ, एक मिनट, क्लोज द नोटबुक। हाँ इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, इधर देख के बोलो ना, डायग्राम में बेटर पड़ेगा। हाँ तो ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू
एंगल बाइसेक्टर बोला ना तुमने, ईडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? इफ बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी देन व्हाट डू वी नो? यस, इफ बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन व्हाट वी कैन कंक्लूड? वी कैन से दैट ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स ए डी अपॉन डी सी. हाँ नहीं ना, बी डी को एंगल बाइसेक्टर बोला है ना, ई तो है ही नहीं पिक्चर में. हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर देन ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स ए डी अपॉन डी सी. एक हो गया, पुट इट एज वन. लिखूंगा मैं बट फिर भी पहले वर्बली समझा रहा हूँ. इसके बाद हाँ करेक्ट. हाँ करेक्ट, ये हो गया, ये दो चीज कर लो. इसके बाद नहीं देखो, अभी मैं तुमको लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा तो आगे पीछे कर रहे हो. देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज द रे बी डी, रे बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, ऑफ एंगल ए बी सी. इसका रीजन क्या लिखोगे? गिवन, ठीक है, ये तो गिवन. देयर फोर वॉट आई कैन से, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स ए डी अपॉन डी सी. रीजन, रीजन एंगल बाइसेक्टर थियरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको हम वन दे देते हैं, ठीक है. इसके बाद अगेन रे सीई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, दिस इज गिवन. Therefore, AC upon CB equals AE upon EB. Reason, angle bisector theorem. Bisector theorem, ये आपका हो गया टू, राइट. हाँ, अब इसके आगे आपने कुछ तो गलत बताया, अब क्या करेंगे बताओ, एक बार फिर से ट्राई करो. व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? ये दोनों तो कर लिया बराबर. एक हुआ दिस अपॉन दिस इक्वल्स दिस अपॉन दिस, एक हुआ दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस. अब यहां पर हमें ये भी पता है ए बी is equal to AC, ये भी given है. Yes, let's say this is 3, ठीक है. अब देखो यहां पर AB upon BC है, यहां पर AC upon BC है. ये CB लिखा है but BC भी लिख सकते हैं ना इसको, चलो BC लिखते हैं. यहां पर AB upon BC, यहां पर AC upon BC, लेकिन AB और AC तो दोनों सेम है. So from 1, 2 and 3 What I can conclude? समझ में आ रहा है? क्या क्या बता सकते हैं from 1, 2 and 3? AB upon BC equal to AE upon. देखो हाँ, आप बता सकते हो? हाँ बोलो. AB upon BC equal to AB upon DC equal to AE upon BC.
ठीक है, फिर भी प्रॉपर इतना एकदम एग्जैक्ट सही नहीं हुआ, सही है वो, गलत नहीं है। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू दिस, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ए सी है, ए सी की जगह पे मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, मतलब ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड सेम हुआ कि नहीं? दर सुनो, सेम नहीं है ना, लिखा कहाँ सेम है, अलग अलग है ना। देखो यहां पर ए बी इक्वल्स ए सी है, ये ए सी यहां पर ए सी लिखा हुआ है, ए सी की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, यस। यहां पे अगर मैंने ए बी लिखा तो ये ए बी अपॉन बी सी हो गया, तो ये भी ए बी अपॉन बी सी है, ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मैच हुआ तो राइट हैंड साइड भी मैच होगा। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस फ्रॉम 1, 2 एंड 3। समझा या नहीं समझा? पक्का? सो व्हाट आई कैन से फ्रॉम 1, 2 एंड 3, व्हाट आई कैन से ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स ए ई अपॉन ई बी। लेट्स से दिस हैज 4। अब क्या करेंगे? ये तो कर लिया, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स ए ई अपॉन ई बी। आपको प्रूव करना है ए डी इज पैरेलल टू बी सी। हाउ यू विल प्रूव? ऑलमोस्ट वी आर डन। थोड़ा सा दिमाग चलाओ बेटा, हो गया है, पूरा सम खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही है। नहीं, इन ट्राइंगल एबीसी, या आपने प्रूफ कर दिया ना, एडी अपॉन डीसी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईबी। ए अपॉन, हाँ बराबर है, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स ए ई अपॉन ए बी, तो इसका मतलब ई डी इज पैरेलल टू बी सी ना। क्यों क्यों? बेसिक बेसिक्स बाय कन्वर्स ऑफ। हाँ तो फिर तो आपको याद क्यों नहीं, आपने किया था ना। मैं इसके लिए पूछा एक बार कि आपने खुद से किया या फिर कहीं पर देख कर किया। खुद से किया रहता तो याद रहता था बेटा। कन्वर्स, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? अगर दो लाइन पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल इन अ ट्राइंगल, एक जो है बीच में है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, द रेशियो ऑफ देयर इंटरसेप्ट आर इक्वल, राइट। और अगर इंटरसेप्ट्स अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, वो क्या कौन कहता है? तो वही तो लिखा है, किया है ना। यहां पर रेशियो इक्वल आ गया ना हमको, रेशियो इक्वल है मतलब लाइन पैरेलल है, ये क्या हुआ? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है, दैट इज बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझा? चलो लिखो फास्ट। ओके तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है? दैट इज सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। याद है आपको सिमिलैरिटी में कितने टेस्ट हैं टोटल? याद है या देख के बताएं? हाँ, टोटल जो है सिमिलैरिटी के 3 टेस्ट है। व्हाट दे आर? टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल जो है सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके 3 टेस्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बता देता हूँ, शायद आपको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार रिवीजन। ये एक ट्राइंगल है, राइट। हाँ, अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? तो बैठ गया ना इसके ऊपर, बैठ गया तो क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट।
अगर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, अब ये सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है? बैठ नहीं रहा है प्रॉपरली, राइट, पूरी तरह से बैठ नहीं रहा है। लेकिन अगर समझ लो इसको मैंने और भी बड़ा कर दिया, ठीक है, ये बड़ा किया या छोटा किया, कोई कुछ भी किया, अगर समझ लो छोटा किया, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है करके कैसे पता चलेगा? दिख रहा है, बट प्रूव कैसे करेंगे? अब देखो, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा ना, तो इसके सारे एंगल जो है ना मैच होंगे, दिख रहा है, ये एंगल मैच हो रहा है, भले ट्राइंगल का साइज कम हुआ, एंगल कम हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ का भी एंगल क्या है? सेम है, ठीक है, ऑल दी एंगल्स आर व्हाट? इक्वल। लेकिन साइड्स क्या हुआ? अलग अलग, राइट। इसको अगर मैंने बड़ा किया, अब क्या एंगल बड़ा हो गया या नहीं हुआ? इसका एंगल और इसका एंगल सेम है या बड़ा हुआ? सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी भी अगर आपका ये वाला ट्राइंगल बड़ा भी हो गया है, फिर भी अगर आप मैच करोगे, ऑल दी एंगल्स आर व्हाट? इक्वल होंगे, सेम है, राइट, ओके। तो ये हुआ आपका, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें आपको तीन टेस्ट है, व्हाट दे आर? फर्स्ट वन इज AA टेस्ट, और वी ऑल्सो से इट एज ट्रिपल एंगल, एंगल और ट्रिपल एंगल। अब अगर समझ लो दो एंगल, अगर किसी दो ट्राइंगल का अगर दो एंगल मैच हो गया, तो तीसरा एंगल मैच होगा या नहीं होगा? कि कभी कभी नहीं भी हो सकता है? क्यों नहीं होगा? कभी, हर टाइम होगा। अगर समझ लो ये वाला एंगल, अगर समझ लो दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर 30 है और ये अगर 40 है, तो ये एंगल कितना होगा? 70 हो गया, तो ये एंगल 110 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज व्हाट? 180 ना। और दूसरा और एक ट्राइंगल है ऐसे ही, इसका भी ये 30 है, ये 40 है, तो ये ट्राइंगल, ये एंगल मैच हुआ, ये एंगल मैच हुआ, तो मुझे बताओ ये एंगल मैच होगा या नहीं होगा? ये हमेशा ही मैच होगा। अगर ये दोनों एंगल मैच हुआ, तो ये तीसरा एंगल तो उसको 180 माइनस करेंगे तो वही आएगा, और इन दोनों का भी सम जो आएगा 180 माइनस करो तो वही आएगा, तो ये तीसरा एंगल हमेशा ही मैच होगा अगर ये दो एंगल मैच हुआ तो, राइट। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? AA टेस्ट। अगर दो एंगल मैच हुआ तो तीसरा एंगल मैच करने की जरूरत ही नहीं, दो एंगल मैच हो मतलब तीसरा होगा ही होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी से इट एज AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल भी मैच हो गया ट्राइंगल में, दैट मीन्स द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, उसका तीसरा एंगल भी एक के ऊपर एक बैठ जाएगा। समझ में आया? दिस इज वन टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करोगे? यू ओनली चेक टू एंगल्स। अगर दो एंगल मैच हो गया मतलब द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। द नेक्स्ट वन इज SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, ये भी AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें क्या होगा आप बताओ? साइड एंगल, साइड क्या? दो साइड इक्वल होगा और एक एंगल इक्वल होगा, क्या होगा? आपको ठंडी लग रही है क्या? नहीं ना, ऐसे थोड़ा कांप रहा। अच्छा, नीचे पैर ये कर रहे हो, ठीक है। हाँ, SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है हमने, हाँ, तो SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज इट इज, दोनों में क्या फर्क है फिर? SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी तो था, राइट, अब ये SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बोल रहा हूँ, तो दोनों में फर्क रहेगा या नहीं रहेगा? है। SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि दो साइड इक्वल होना चाहिए और उन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? और साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इफ यू हैव दिस टू ट्राइंगल्स ओनली, इफ आई कंसिडर, या फिर मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है, इफ दिस इज ए बी सी, इफ दिस इज पी क्यू आर, ठीक है, टू ट्राइंगल्स, वी विल से दैट दे आर सिमिलर इफ ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स पी क्यू अपॉन क्यू आर। अगर ये हुआ तो मतलब क्या हुआ?
दिस अच्छा एक मिनट, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है बराबर। अगर ये दो साइड का रेशियो सेम आता है और इन दोनों के बीच का एंगल अगर सेम आता है, दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, तब हम क्या कह सकते हैं, दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर एस ए एस टेस्ट में फर्क क्या है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होना चाहिए, सिमिलैरिटी में साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पर रेशियो है, सेम है कॉन्सेप्ट, वैसे ही है, ये साइड अपॉन ये साइड, दिस साइड इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या रेशियो, नॉट एग्जैक्ट इक्वल होना होने की जरूरत नहीं है, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, एंगल तो है इक्वल ही होना चाहिए। तो देन व्हाट वी कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समझा। नेक्स्ट थर्ड है, क्या है थर्ड, बुक में देखा है ना आपने, हाँ कौन सा, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्या होगा थोड़ा सोच के बताओ क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए बस, अगर तीनों साइड के रेशियो अगर आपके इक्वल हो गए देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, द साइड्स डज नॉट नीड टू बी इक्वल, द साइड्स रेशियो नीड्स टू बी इक्वल। जैसे कि एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में आपका क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ये एक जनरल में बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा, ए बी सी ऐसे नहीं होगा, एक जनरल वे में बताया। अगर ये सारे रेशियो अगर इक्वल हो गए तो व्हाट वी कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समझा, तीनों टेस्ट समझ में आया, हाँ ओके लिखो फर्स्ट। नाउ आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 1.55, ये किया है आपने नहीं ना, ओके, इन द फिगर 1.55 एंगल ए बी सी आपको दिया है 75 डिग्री, एंगल ई डी सी ये भी 75 डिग्री, स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाई विच टेस्ट। अब इसमें इन्होंने ये पूछा है कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, कोई आइडिया, दो ट्राइंगल सिमिलर है, एक है दो है, दो है ना, तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर, जो दिख रहा है वही, हाँ ऐसे नहीं ना, आपको जब ट्राइंगल सिमिलर है जब प्रूव करना है तब आपको नेमिंग देना जरूरी है। अगर समझ लो मैं ऐसे बोलूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इज इट फाइन, देन वॉट, अच्छा ठीक है प्रूफ भी कर दिया, प्रूफ करने के बाद मैंने बोला कि ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, इज इट फाइन, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द लेटर इज इंपॉर्टेंट, कॉन्ग्रुएंसी में भी बताया था आप लोगों को, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर अलग है, क्यू पी आर अलग है, पी आर क्यू अलग है, राइट, तो सीक्वेंस आपको पहले पता करना होगा कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है। देखो यहाँ पर जो भी गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी, इन दो ट्राइंगल में कौन सा, एक तो आपका ए बी सी एंड डी ई सी, अगर मैंने ए बी सी लिया है ना तो इसको ए डी सी लेते हैं, नॉट डी ई सी, वैसे शुरू में आपने ई डी सी लिखा या डी ई सी लिखा दोनों चलता है, लास्ट में आपका प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, बताया था याद है नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी किया था, ओके। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल व्हाट आई नो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, रीजन गिवन है, राइट, इसके बाद और क्या इक्वल है, कौन सा साइड, दो ट्राइंगल का नाम देख लो पहले, इसके एक तो एंगल आपका ये इक्वल है, इसके बाद आपका दूसरा क्या इक्वल है, एंगल ए सी बी इज इक्वल
एंगल एसीबी एसीबी इज इक्वल टू एंगल ईसीडी, ठीक है, एसीबी और ईसीडी इक्वल है, दोनों के लिए यही एंगल हुआ ना, रीजन क्या आएगा? व्हाट विल बी द रीजन? करेक्ट, कॉमन एंगल, ये सो नो, कॉमन है ना, दो एंगल मैच हो गया, इन दो ट्राइंगल में एक एंगल तो गिवन था और एक एंगल क्या हुआ, कॉमन हुआ, तो देयरफॉर देयरफॉर व्हाट, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीसी बाय बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इजी है, कॉन्ग्रुएंसी से मैच करता है ना, किया था आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी टेंथ में, सेम है ऑलमोस्ट, दैट्स इट। बाय विच टेस्ट, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ये सिमिलैरिटी हमने लिखा है ना विथ प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डेंस, एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ई, एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल डी एंड एंगल सी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल सी, दोनों के लिए कॉमन है, बराबर, तो हो गया, समझा? Yes. देखो मैं एक बार वर्बली बताता हूँ, उसके बाद लिखोगे खुद से, हाँ, देखो कैसे लिखना है, इन इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल्स 6/3, सॉल्व करोगे तो 2/1 आएगा, राइट, आएगा ना, ओके, ये हो गया 1, क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स 8/4, इफ यू सॉल्व इट यू गेट 2/1, राइट इट एज 2, पी आर अपॉन एल एन इक्वल्स 10/5, सॉल्व करोगे 2/1 आएगा, राइट इट एज 3, सो फ्रॉम 1, 2 and 3 व्हाट वी कैन कंक्लूड, पी क्यू अपॉन एल एन इक्वल्स क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स पी आर अपॉन एल एन, बराबर, सबका रेशियो 2/1 आया था ना, सो फ्रॉम 1, 2 and 3 आई कैन स्टेट व्हाट, ऑल द रेशियोज आर इक्वल, राइट इट एज 4, ठीक है, अब क्या करोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल्स क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स पी आर अपॉन एल एन फ्रॉम 4, हाँ क्या, तीनों रेशियो इक्वल हो गया ना, therefore what, therefore triangle PQR is similar to triangle LMN by, try to write, जब भी आप सिमिलैरिटी प्रूव करो या congruency प्रूव करो तो पहले आपको बताना पड़ता है कि कौन दो ट्राइंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, फिर आपका ये जो SSS में तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा ना, एक ही लाइन में आ जाता है, तो एक लाइन में आया वो किधर से आया, फ्रॉम 4, ठीक है, और हो गया, the two triangles are similar by SSS test of similarity।